शुभ प्रभात, हैप्पी 15th अगस्त ऑल ऑफ यू। पीएच वैल्यू के पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंशियल मीन्स पावर, ताकत, क्षमता। पीएच वैल्यू से हम एक वाइज सॉल्यूशन के लिए तीन बातों को प्रदर्शित करते हैं। एक न्यूट्रल, जिसे हम उदासीनता कहते हैं। एसिडिक, अम्लता कहते हैं। बेसिक, क्षारीयता कहते हैं। क्षारीय कहते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, पानी का पीएच वैल्यू कितना है। एक फिल्म याद आता है, विश्वात्मा, जो 1992 में रिलीज हुआ था, जिसमें गाना, प्रसिद्ध गाना था, सात समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इसी फिल्म से दिव्या भारती, जो लोकप्रिय और प्रसिद्ध अदाकारा थी, फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ी। इसलिए पीएच वैल्यू का, वाटर का पीएच वैल्यू 7 है। इस गाना को याद रखिए और पानी का पीएच वैल्यू 7 हमेशा याद आएगा। उसी प्रकार हम आगे चलते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 होता है, याद रखना है। सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7। सॉल्ट को हम लोग NaCl कहते हैं। NaCl का अन्य नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे ही हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं और इसे ही हम ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम का सिंबल Na है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इक्वल टू 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक वेट सोडियम का 22.98 है। आगे हम लोग चलते हैं अब ब्लड के बारे में। ब्लड, रक्त, खून, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। याद रखने का एक आसान सा तरीका है, ट्रिक है। 74 हम लोग सबसे ज़्यादा चाहत रखते हैं अपने ब्लड रिलेटिव लोगों से, चाहत। और हम लोग 7.4 में पॉइंट को भूल जाते हैं और 74 याद रखते हैं। 74 हो गया, इसलिए ब्लड का पीएच वैल्यू हम लोग 7.4 मानते हैं। आगे हम लोग आंसू का पीएच वैल्यू क्या है। एक बात याद रखना है, चोट लगी, खून निकला, रोएगा आंख। चोट लगने पर खून निकलता है, आंख से आंसू भी निकलता है।
इसलिए खून का पीएच वैल्यू 7.4 है, आंसू का भी पीएच वैल्यू 7.4 है। और आगे हम लोग चलते हैं, नींबू का पीएच वैल्यू, एक गाना है, एक नींबुआ दो चार मिर्ची लगा लो चोटी में, एक भोजपुरी फिल्म है, उसी फिल्म का ये गाना है। नींबू रस का पीएच वैल्यू क्या होगा, 2.4, एक नींबुआ दो चार मिर्ची लगा लो चोटी में, 2.4। दूसरा ट्रिक यह भी हो सकता है, जब हम लोग सब्जी बाजार सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, एक किलो आलू ले लेते हैं, दो किलो भिंडी ले लेते हैं, एक किलो फूल गोभी ले लेते हैं, इतना लेने के बाद हम सब्जी वाले को बोलते हैं दो चार नींबू दे दो, दो चार नींबू दे दो। इसलिए यहाँ यह भी ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। इस प्रकार नींबू रस का पीएच वैल्यू 2.4। अब आगे हम लोग चलते हैं, बैटरी एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है। बैटरी एसिड का पीएच वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच वैल्यू भी 1 होता है। आगे हम लोग चलते हैं, मिल्क दूध का पीएच वैल्यू, इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। दूध वाला सुबह 6 बजे दूध निकालता है, ठीक शाम में 4 बजे फिर दूध निकालता है। इस प्रकार दूध का पीएच वैल्यू 6.4 है, दूध का पीएच वैल्यू 6.4। अब हम लोग चलते हैं टोमेटो टमाटर, टमाटर टमाटर का पीएच वैल्यू, इसके लिए भी ट्रिक लगाते हैं जिससे आसान हो जाए। टमाटर में टॉ को हटा देते हैं, मटर हो गया, मटर बोलते हैं, और एक मटर में जो फल होता है ना, एक मटर में इसमें 4 मटर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या हो गया, 4 से 5 दाने होते हैं। इस प्रकार टोमेटो का पीएच वैल्यू 4.5 है। अब हम लोग आगे चलते हैं, सोडा और एप्पल का पीएच वैल्यू पता लगाते हैं एक कहावत के माध्यम से। एप्पल खाकर 3 बजे सो जा, एप्पल खाकर 3 बजे सो जा। इस प्रकार सोडा को हम लोग सोजा बोले हैं, एप्पल को उसी तरह रख बोले हैं, तो हो गया क्या, एप्पल खाकर 3 बजे सो जा। इस प्रकार सोडा का पीएच वैल्यू 3 और एप्पल का भी पीएच वैल्यू 3 है। आगे हम लोग देखते हैं अचार का पीएच वैल्यू, अचार का पीएच वैल्यू 3.5 से 3.9 है, 3.5 से 3.9 है। अचार में अ को हटा देते हैं तो 4 हो जाता है, और हम लोग बोलते हैं 4 के आसपास, ठीक है। अचार का पीएच वैल्यू 3.5 भी है और 3.5 से 3.9 तक रखा गया है। सिरके का पीएच वैल्यू अब हम लोग निकालते हैं टिक के माध्यम से। याद रखना है, हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, बापू के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ बुरा नहीं समझना है, सिर्फ हम लोगों को पढ़ना है, याद रखना है। महात्मा गांधी के सिर पर 3 बंदर वाली कहानी याद है। इस प्रकार महात्मा गांधी
हमारे बापूजी थे, देश के राष्ट्रपिता थे। इस प्रकार सिरके का पीएच वैल्यू 3 है। दूसरा भी ट्रिक हम इसके लिए लगा सकते हैं, सिरका। सिरका 3 पार्ट्स होता है, एक सेरिबम, सेरिबलम और एक दूसरा भी मेडुला इलोंगटा होता है। इस प्रकार सिरका का पीएच वैल्यू 3 है, 3 है। अब हम लोग चलते हैं शराब का पीएच वैल्यू। आप लोग हमेशा देखे होंगे जब दो व्यक्ति शराब पीते हैं, ऐसे तो बिहार में, कई अन्य राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है, शराब पीना बुरी बात है, लेकिन हम उदाहरण स्वरूप स्पष्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अध्ययन के मामले में, जब दो व्यक्ति शराब पीते हैं तो अपना गिलास आपस में टकराते हैं। जब अपना गिलास टकराते हैं तो दोनों गिलास का जो ऊपर का सर्कुलर जो होता है वो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, 8 बन जाता है। तो दो व्यक्ति शराब पीते हैं, गिलास टकराते हैं और 8 बन जाता है टकराने से। इस प्रकार शराब का पीएच वैल्यू 2.8 है। और दूसरा ट्रिक यह भी बनता है कि जब कोई आदमी 2 पैक लगाता है, शराब का 2 पैक लगाता है, उसे 8 दिखना शुरू कर जाता है, 8 दिखने लगता है। इस प्रकार हम लोग शराब का पीएच वैल्यू 2.8 मानते हैं। समुद्र का जल, समुद्र जल का पीएच वैल्यू, समुद्र जल का पीएच वैल्यू 8.5, 8.5। अब याद रखना है 8.5। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू 4.8 से 8.4 तक, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू 4.8 से 8.4। शैंपू का पीएच वैल्यू 7 से 10, शैंपू का पीएच वैल्यू 7 से 10। ठीक उसी प्रकार मानव लार का पीएच वैल्यू 6.5 से 7.4, 6.5 से 7.4। बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 8.5, बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 8.5। बटर का पीएच वैल्यू 6.1 से 6.4। अमोनिया का पीएच वैल्यू 11.6, अमोनिया का पीएच वैल्यू 11.6। पनीर जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारा भोजन स्वादिष्ट बनता है, और पनीर का पीएच वैल्यू 5.9, पनीर का पीएच वैल्यू 5.9। टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू 8, एसिड रेन का पीएच वैल्यू 5, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 5, याद रखना है कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 5। टी चाय का पीएच वैल्यू 5.5, हेल्दी स्किन का पीएच वैल्यू 5.5। NaOH का पीएच वैल्यू, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच वैल्यू 14 होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक है। डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच वैल्यू 1.2, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक का पीएच वैल्यू 1.2। अब हम लोग पढ़ते हैं अल्कलाइन का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कैसा होता है अल्कलाइन, और ब्लड का पीएच वैल्यू 7.2 से लेकर 7.4 तक होता है, 7.2 से लेकर 7.4। और अल्कलाइन का मतलब होता है ए बेस विच डिजॉल्व्स इन वाटर, ऐसा क्षार जो पानी में घुल जाता हो,
घुल जाता है उसे अल्कलाइन कहते हैं, और ब्लड पानी में घुल जाता है। अल्कलाइन बेसिक है, नेचर में बेसिक है और पानी में घुल जाता है। इस प्रकार ब्लड का पीएच वैल्यू 7.2 से 7.4 है। एक अगला सवाल यह भी पैदा होता है कि आप एसिडिटी से समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लोग इससे पीड़ित भी होते हैं, दर्द से रोते भी हैं, कष्ट से पीड़ित भी होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, तो एसिडिटी को कम करने वाले को क्या कहते हैं? वैसा मेडिसिन जो एसिडिटी को कम कर देता हो उसे एंटा एसिड कहते हैं। और एंटा एसिड के रूप में हम लोग इनो को लेते हैं, ENO, बाजार में बड़ा ही प्रचलित है, लोकप्रिय है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ENO, इनो, इनो माइल्ड बेस है, एक प्रकार का एंटा एसिड का अच्छा उदाहरण है। आज हम लोग पीएच वैल्यू के पार्ट टू में बहुत कुछ जाने हैं, सीखे हैं, समझे हैं। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, स्क्रीनशॉट लें या कॉपी में नोट करके रखें। कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं, उन्हें याद रखें, अभ्यास करें। साथ ही साथ आपसे निवेदन भी है कि आप टीका लगवाएं और बाहुबली बन जाएं, टीका लगवाएं और बाहुबली बन जाएं। देश के टीकाकरण अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होएं, इस अभियान को सफल बनाएं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।